नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पियाजेज थ्योरी द वेरी इंपॉर्टेंट वाइगोत्स्की पियाजे कोहलबर्ग को दुनिया का कोई भी कॉलेज स्कूल छोड़ नहीं सकता, अगर अप्लाई नहीं करते तो ये आप लॉस में हो। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग ये पेन यहां से निकाल लें, ये पेन बाद में निकालने से, ये बस देखना है कि कौन सा हमने अंडरलाइन मेन वर्ड फ्रेज। ड्राइंग इंप्लीकेशंस फॉर पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें पता है, ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स एज ऑफ, ओके दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि पियाजे की थ्योरी स्टेज थ्योरी है, एज से रिलेटेड है, एज मेजर फैक्टर है जो कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती हैं, ठीक, दैट इज वाई 6 से 8 साल इन क्लासरूम। आगे ऑप्शन है, पहले ये समझ लें कि 6 से 8 साल तक पियाजे की थ्योरी है क्या। हम ये जानते हैं कि 4 स्टेजेस हैं पियाजे की थ्योरी की। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, यहां उसकी बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं करेंगे। सेकंड है प्री ऑपरेशनल, ओके, सेकंड ये रही सेकंड प्री ऑपरेशनल, और थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, ये रही थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल। हर टर्म का मतलब समझ रहे, इतना मतलब समझ लोगे तो पियाजे की थ्योरी के को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करने में बड़ी हेल्पफुल होगी ये, ओके। फर्स्ट है प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब ऑपरेशनल टर्म बार बार क्यों आ रही है, मैंने बताया था कि कोहलबर्ग की थ्योरी को समझना है तो कन्वेंशनल शब्द को बेस बना लीजिए, ऐसे ही पियाजे की थ्योरी को समझना है, एंड सिंगल वर्ड कैन बिकम द बेस ऑफ दैट इज ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो उसका मतलब है ऑपरेशन जो ब्रेन में चलता है। मैंने जो पिछले वीडियो सबसे पहला पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड बनाया था उसमें साथ साथ में बताया था कि बच्चा जब सोच रहा है या गोल गोल मैं घुमाता होता हूँ, यही बताने के लिए। अब मेंटल ऑपरेशन, कॉग्निटिव ऑपरेशन, थिंकिंग प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ हो रहा है इनसाइड। तो वो ऑपरेशन जो है लॉजिकल भी हो सकता है, इलॉजिकल भी हो सकता है। बच्चा जो है इलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ बढ़ता है। सेकंड स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब के बिफोर लॉजिकल, इट मींस इस स्टेज में थिंकिंग जो है लॉजिकल नहीं होगी, इलॉजिकल होगी। प्री ऑपरेशनल जब भी शब्द आता है तो आप इलॉजिकल थिंकिंग सोच सकते हो। दूसरा के लॉजिकल टास्क जो पियाजे ने बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन लॉजिकल टास्क में बच्चा फेल होता है प्री ऑपरेशनल में। जब वही टास्क में वो पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। तो उस पियाजे ने क्या देखा था कि 7 ईयर तक बच्चों ने जो वो टास्क, काफी लंबे टास्क है, एक वीडियो में वो डिस्कस नहीं हो सकते, एक टास्क की मैं सिर्फ बात करूंगा ये बताने के लिए, कैसे बिफोर जो है प्री ऑपरेशनल में, बिफोर लॉजिकल थिंकिंग में, इलॉजिकल थिंकिंग में कैसे बच्चा वो टास्क पास नहीं कर पाता, और कैसे 8 साल का बच्चा जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है वो वही टास्क पास कर लेता है। तो जिससे हम कह सकते हैं कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो गई है, यहां कहेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई। तो हमने एजेस में कन्वर्ट कर लिया है, 6 साल का बच्चा, 7 साल का, 8 साल का। 7 साल के बच्चे को ट्रांजिशन पीरियड में रखा है। लगभग 7 साल का बच्चा, जैसे वाइगोत्स्की ने भी कहा था कि 7 साल का बच्चा प्राइवेट स्पीच जो है बिल्कुल डाउन ले आता है और वो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ही 7 साल का बच्चा इलॉजिकल थिंकिंग से शिफ्ट होता है लॉजिकल थिंकिंग में। एक दिन में नहीं हो जाता, ये महीने लगते हैं, वीक लगते हैं। तो ये लगभग 7 साल, 6.5-7, 7.5 साल में ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग को लॉजिक, इलॉजिकल से लॉजिकल की शिफ्टिंग को ट्रांजिशन पीरियड
कहा जाता है। एक स्टेज से बच्चा दूसरी स्टेज में जा रहा है, जो कंसेप्ट है, टास्क है, वो फेल होने से धीरे धीरे उसको पास करने लगता है। तो अब लॉजिकल थिंकिंग जो इसमें है, कंक्रीट क्यों कहा गया? कंक्रीट का शब्द याद रखने के लिए कि जो टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पांच सेंसेस से जो वो बच्चे के आगे चीज रखेंगे तो वो लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई कर सकता है, उसके बिना नहीं कर सकता। तो ये दो स्टेजेस अभी तक हमने बात की। प्री ऑपरेशनल मतलब इलॉजिकल थिंकिंग है अभी उसमें, तो 7 साल के करीब वो ट्रांजिशन पीरियड है, और उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आ गई, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसने डाला है बड़े क्लेवरली, बड़े ही, देखिए कौन सी एज है, 6, 7, 8 एज, 6, 7, 8 तीनों कवर हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, इलॉजिकल भी, ट्रांजिशन पीरियड भी और लॉजिक भी, इतनी वेरिएशन है। आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम ये देख लें कि जो बच्चे को टास्क दिए गए थे प्याजे के द्वारा, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है, आप नेट पर भी देखते होंगे, कंजर्वेशनल टास्क। कंजर्वेशनल टास्क को पास करने के लिए कितने कंजर्वेशन टास्क हैं, उनमें से मैंने लिक्विड का एक लिया है। सबसे पहले आप उसका वीडियो ये देख लें। तो सरगुन, ये मैं ना लिक्विड इसमें डालने लगा हूं, देखना। ओके, आपने ये देखना है कि ये कौन सा कलर है, ये रेड, रेड कलर है। अच्छा, ये देखो कि रेड कलर है, लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड की अमाउंट जो है वो सेम है या एक में ज्यादा है एक में कम है? नजदीक कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। एक में ज्यादा है, किस में ज्यादा है? तो इनको बराबर करने के लिए ये ऐसा कर दे, देखना। अब देखो कुछ दोनों में बराबर है या एक में ज्यादा है एक में कम है? इसमें कम है, इसमें कम है, पंगा पड़ गया। इसमें इसमें कम है ना, ठहरो यार, ये देखना, थोड़ा सा डालेंगे। अब देखो तो दोनों में बराबर है या एक में कम है एक में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, कोई बात नहीं। ये सरगुन कह रही है कि इसमें ज्यादा है, इसको कम कर दिया राजे। आप बताओ, हम आपकी सेटिस्फेक्शन पर, इक्वल है। सरगुन कह रही है कि दोनों में ये बराबर है। ओके सरगुन, ये मैं ना यहाँ लगा लेता हूँ, एक मिनट। दोनों बराबर है ना, अब इसको डाल दिया हमने, इसमें। अब आपने ये बताना है कि दोनों कंटेनर में से किसी में ज्यादा है वाटर या किसी में कम है या दोनों में बराबर है। एक मिनट, आपको क्या लगता है, किसी में ज्यादा है या किसी में कम है या दोनों में बराबर है? शाबाश, ऑपरेशन इज गोइंग ऑन एज प्याजे हैज एक्सप्लेन्ड। यस, कोई बात नहीं, आप सोचो, सारा दिन सोचो, नहीं बताओ, छुट्टी से पहले बता देना। कोई बात नहीं, आप सोचो, आप फ्री हो, पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये दोनों में लग रहा है कि सेम है और थोड़ा कम है। अगर हमने इसमें डाल दिया तो ऐसे नहीं लगेगा, ये
इक्वल है या कुछ और है? पता नहीं चला। शाबाश शाबाश शाबाश, दोबारा बताओ जो दोबारा। ये जैसे कि फिर बाद में अगर हमने इसमें डाल दिया हमें हाँ। तो हमें पता चलेगा कि इसमें ज्यादा है इसमें नहीं है हाँ। तो फिर अगर हम इसमें डाल के देखेंगे तो फिर बाद में मुझे पता नहीं चलेगा। अभी पता नहीं ना चलेगा, अभी आप इसको छोड़ दो है ना, और ये जो डाला है इसमें देख के बताओ कि आपको पिछला भी कुछ याद कर सकते हो करना है। आपने ही डाला है, मैंने ही डाला है, आपके सामने ही डाला है, और अब ये बताओ कि अब ये और ये बराबर हैं, अमाउंट इनकी बराबर है, मात्रा इनकी बराबर है, चाहे किसी में ज्यादा लग रहा है किसी में कम लग रहा है। सोचो, जब जवाब देना होगा फिर ऐसे कर देना जैसे क्लास में करते हैं। शाबाश, दोनों में बराबर है या एक में कम है या एक में ज्यादा है, ये पता क्यों हो रहा है? अगर ये 4 साल का बच्चा होता जवाब आ जाना था। अब उसकी ट्रांजिशनल स्टेज चल रही है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया अब तक आपने। सोच लो, कम होगा लगता है। किसमें कम लगता है? इसमें। उन दीदियों को मैडमों को बता दो कि किसमें कम है। इसमें लग रहा है मुझे। इसमें लग रहा है आपको? ज्यादा किसमें लग रहा है? इसमें। आपको ज्यादा क्यों लग रहा है इसमें? क्योंकि ये बड़ा है। क्योंकि ऊंची बोल दो बस, यही कहानी के लिए यहाँ लेके आए सबको। ऊंची बोल दो। क्योंकि ये बड़ा है। क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा है। थैंक यू, खुश रहो। मायरा है, सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट में है, लिक्विड है। नो हाँ? नहीं सर, इसमें इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें ज्यादा है। आप डाल सकते हो, बराबर कर सकते हो। मैं करूं ये, अब देखो तो अब देखो नजदीक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने देखा कि मायरा थोड़ा सी टच किया और सॉरी निकला। ये एक डिफरेंट थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी आएगी। कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सॉरी निकला। हम कई बार नहीं, आप नहीं जो आए नहीं, हाँ जी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इधर का उधर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा है, हम बराबर करेंगे, इक्वल कर लेंगे इसको। अभी भी ये ज्यादा और ये कम है। ये ज्यादा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो बराबर हो ही गया होगा। देखो बराबर है, दोनों बराबर। अभी एक दिन आ गया कि बराबर हो ही गया। ओके, अब क्या करते हैं कि आपके सामने मैं इस पार्ट को इसमें डाल देता हूँ। देखो 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 देखो, अब ये बताओ कि दोनों में पानी की मात्रा, लिक्विड की मात्रा बराबर है या एक में कम है एक में ज्यादा है? बराबर है। बराबर है, कैसे बराबर है? क्योंकि जब आपने इसमें डाला, जब हमने पहले देखा था तो इन दोनों में बराबर था, जब आपने वाली डाला इधर, फिर ये जो इसमें था वाटर वो भी इसके साथ बराबर होगा, जब आपने इसमें डाला तब भी बराबर होगा वो। मुझे वैसे पता चल गया, आपको पता चल गया? दोबारा पूछूं? वो कहते मम्मा साथ है, हम पूछ सकते हैं। एक बार फिर बता दो, इन ये दीदियां बड़ी दूर से आपका जवाब सुनने के लिए आई हैं। क्योंकि पहले जब आप पहले हमने देखा हाँ। था कि इन दोनों में सेम क्वांटिटी थी हाँ। फिर आपने इसमें डाल के दे इसमें डाल के फिर आपने बोले इसमें डाल दी, तो फिर अभी भी इसकी क्वांटिटी सेम ही होगी इसकी तरह। ओके थैंक यू, ब्लेसिंग, वेलकम, खुश हो। ओके, अब आपने क्या देखा कि
कंजर्वेशनल टास्क को पहले थोड़ा सा समझ लें। कंजर्वेशनल टास्क में दो चीजें हैं, शेप शेप और अमाउंट। ये है बीकर एक की शेप, दूसरी की शेप, दोनों की शेप मिलती है, ठीक है। अमाउंट आप देख रहे हो वो भी बराबर है। जब एक की शेप चेंज कर दी जाती है, चेंज, जैसे ये शेप चेंज कर देगी, मतलब लिक्विड ये गिलास में यहां डाल दिया गया, सॉरी, अब शेप चेंज कर दी गई, इस शेप से इस शेप में आ गया, ये देखिए शेप में शेप चेंज हो गई। क्या जो पानी है जिसको रंग डाला है इसमें, वो भी चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी। कंजर्वेशनल स्किल क्या है कि शेप चेंज होने से अमाउंट चेंज नहीं होती। दिस इज लॉजिक। शेप चेंज होने से ये इसका संबंध जो है, इससे रिलेशन है, ये हो गया दो कंसेप्ट्स का रिलेशन, ठीक है। तो कंजर्वेशनल स्किल में ये है कि शेप चेंज होने से अमाउंट चेंज नहीं होती। अगर बच्चा ये कह देता है कि सर ये चेंज हो गई है, इट मींस वो इलॉजिकल थिंकिंग में जी रहा है। अगर वो कहता है चेंज होने से अमाउंट चेंज नहीं हुई, तो वो लॉजिकल में जी रहा है। तो आपने देखा है एक जो 6 साल का बच्चा है वो ये कह रहा है कि अमाउंट के चेंज हो, सॉरी, शेप के चेंज होने से, शेप के चेंज होने से अमाउंट भी चेंज हो गई है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो बड़ा दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस, दिखावट में जो बड़ा दिखाई दे रहा है उसमें पानी ज्यादा है, और जो दिखावट में, अपीयरेंस में छोटा गिलास है उसमें पानी कम है। इट मींस बच्चे की थिंकिंग अभी तक प्रभावित है किससे? अपीयरेंस से, दिखावट से, जो दिखाई देता है, जो बड़ा दिखाई देता है उसको वो बड़ा लगता है, तो और जो छोटा है उसको छोटा कहता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो एक और दो प्रिंसिपल हैं इसके साथ ही। ये कंजर्वेशन स्किल का पहला प्रिंसिपल जो अभी मैंने समझाया। तो बच्चे दूसरा है इसी के साथ, ये पीटेट सीटेट जहां कोई भी नेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे की सेंट्रेशन एबिलिटी है या डिसेंट्रेशन एबिलिटी है। अगर वो स्थिति के एक ही पक्ष को देखता है, इट मींस गलती कर रहा है। एक पक्ष में को क्या है, जैसे कि सिर्फ ये देख रहा है कि ये बच्चा जब, अगर सिर्फ इस गिलास को ही देख रहा है और शेप को ही देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि ये इसी में से डाला गया है, बाकी आस्पेक्ट को अटेंड नहीं करता, इट मींस वो सेंट्रेशन में जी रहा है। सेंट्रेशन मीन फोकसिंग वन आस्पेक्ट, स्थिति के एक पक्ष को देख रहा है, बाकी पक्षों को इग्नोर कर रहा है, वो गलती कर रहा है। जब वही बच्चा 8 साल का, 7 साल का, 8 साल का हो जाता है, एक्सपेरिमेंट, ये बच्ची 8 साल की है, तो वो बाकी पक्षों को भी देखती है, उसको डिसेंट्रेशन कहते हैं, कि एक पक्ष नहीं, स्थिति के बाकी सारे पक्षों को देख के अपनी थिंकिंग को ऑपरेट करता है और डिसीजन लेता है कि पानी दोनों में बराबर है, क्योंकि सर इसी में तो डाला गया है। अच्छा, इसी से बिल्कुल रिलेटेड है रिवर्सिबिलिटी एंड इररिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट। जब जो बच्चा ये सोच लेता है कि ये वाली प्रोसेस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है कि पानी डाला गया, तीसरा है कि पानी डाल दिया गया, जो एक मेंटली या फिजिकली आप वापस पहली स्थिति में जाके सोचते हो, ये थर्ड स्टेज है, यहां स्टेज नंबर थर्ड नहीं लिख सकते, थर्ड है, ये सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। अगर थर्ड स्टेज से बच्चा वापस फर्स्ट स्टेज में सेकंड पे होता हुआ सोच लेता है कि यार स्टार्टिंग में दोनों बराबर थे तो मेरे सामने ही डाला गया है,
तो ये बराबर ही होगा, लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई हो गई। लेकिन जो बच्चा छोटा है, 7 साल से छोटा है, जैसे इस वीडियो में देखा आपने 6 साल की बच्ची थी, तो वो वापस जाके पहली स्टेज में सोच नहीं सकी। पहली स्टेज में जाके ना सोचने की एबिलिटी को कहते हैं इररिवर्सिबिलिटी। और ये बच्ची ने यहां से यहां तक, तीसरी स्टेज से पहली स्टेज तक वापस सोच लिया, मेंटली वापस चली गई और इसने सही डिसीजन लिया। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, कि आप वापस सोच में लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फिर आप वापस आते हो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। ये सारे ही कंजर्वेशनल स्किल से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं। अब डिसीजन ले हम के हमारे क्वेश्चन का उत्तर क्या है। अब ये देखिए कि जब बच्चे 6 साल के भी हैं, इट मींस इलॉजिकल के भी हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, क्योंकि सीबीएसई ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो आप खुद ही सोचिए, कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओके, इलॉजिकल बच्चे हैं ये जो 6th में हैं, ये वाले सेंट्रेशन के हैं, यहां भी एरर हो रही है, इरिवर्सिबिलिटी यहां भी एरर हो रही है। और कुछ बच्चे 7 साल के हैं, ट्रांजिशन फेज में हैं, कुछ लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, कुछ नहीं हुई। और तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8 साल के हैं, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है, डिसेंट्रेशन डेवलप हो गई है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो गई है। अब मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर आपके पास वो बच्चे हैं जिनकी लॉजिकल थिंकिंग ही डेवलप नहीं हुई, उस स्टेज में ही नहीं पहुंचे, तो क्या आप उन बच्चों के सामने, क्या आप उन बच्चों के सामने वो टास्क प्रॉब्लम रखोगे जिनके लिए लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए? आपके पास वो बच्चे हैं जिनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं होती हुई अभी, उनको लगता है कि जो पानी है वो छोटे ग्लास में जो है वो कम है, बड़े ग्लास में ज्यादा है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हुई, तो आप कैसे रख सकते हो वो टास्क जो एनालिटिकल थिंकिंग डिमांड कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग डिमांड कर रहे हैं? और जो एग्जाम्पलर है आपका, उसमें ये इसको सही आंसर दिया गया है। अब ये आपने सोचना है, मैंने फैक्ट थ्योरी के आपके सामने रख दिए गए हैं। अच्छा, और दूसरा, पहले वाला ऑप्शन देखते हैं अब कि उसमें क्या होगा। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, उसको समझना है, मैंने समझाने लगा हूं, आपने खुद सोचना है कि ये हो सकता है या नहीं, कि डिस्करेज, उस टीचर को डिस्करेज करना चाहिए अल्टरनेट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम यहां लिख दी मैंने, 3 × 2, ठीक, हमारे पास एक बच्चा है, बेटा आओ इसको सॉल्व करो। मैं सिर्फ क्या करने लगा हूं, मैं सिर्फ, ये बच्चा सॉल्व करता है, उसको देखिए आप सॉल्व करो राजे, मैं क्या डिस्करेज करूं, अल्टरनेट सॉल्यूशन कर लिया इस बच्ची ने, कर लिया है, ठीक है, 8 साल की है ये, ठीक है, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक। तो बेटा इसका और भी कोई सॉल्यूशन, और भी कोई हो सकता है, और किसी ढंग से इसको कर सकते हैं, अल्टरनेट, ये रहा अल्टरनेट सॉल्यूशंस, बच्चे ने सेम क्वेश्चन दूसरे ढंग से कर लिया, शाबाश, वो सोच रही है क्या ठीक है, ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। आप दिखाई दे रहे हो कैमरे में, थोड़ा सा दिखाई दे रहे हो, अच्छा, एक तरह और कर लिया, ये कैसे, 3 × 2, ये ठीक है, देखो तो 3 × 2, अच्छा ठीक है, ये मैंने उनको यही कहा कि क्या ये ठीक है, उन्होंने दोबारा सोचा, मैंने ये नहीं कहा आपका गलत है, इसको ठीक करो, दो अलग अलग वे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है आप फोकस कर सकते हो, जैसे अभी बच्ची को कहा बेटा ये देखो ये ठीक है, उसने फिर खुद सोचा, कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है प्याजी, यही कहता है कि खुद बच्चा सोचे,
वर्गोस्की कहता है कि ऐसे जो मेडिएटर है, सोशल मेडिएशन है, मोर नॉलेजेबल पर्सन है, वो उसकी हेल्प कर सकता है। हेल्प दो तरीके से होती है कि बेटा ये आपका गलत है, इसको ऐसे करना है, डायरेक्ट जो ट्यूशन में जनरली या क्लासरूम में हम करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि बेटा यहाँ कोई गलती तो नहीं है, ध्यान से दोबारा सोचो, रीथिंक, वो दोबारा खुद सोचता है। तो वाइगोत्स्की ऐसी हेल्प करने के लिए कहते हैं, वापस पियाजे के पास फिर आ जाएं। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा, ये अल्टरनेट डाला है, ये डिस्ट्रक्टर है, डिस्करेज करना चाहिए उस टीचर को कि डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम के नहीं निकालने। अब मैं इस बच्चे को कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, दूसरे ढंग से नहीं करना, जिस ढंग से मैंने क्लास में करवाया है वैसे ही करना है, इसका ये मतलब है। यहां पर अगर बच्चा डिफरेंट सॉल्यूशन सोचता है, अल्टरनेट सॉल्यूशन सोचता है, इट मींस वो क्रिएटिव थिंकिंग अपनी डेवलप कर रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप कर रहा है। अगर कर रहा है तो मुझे क्यों रोकना चाहिए। हां, ये बच्चा 8 साल का है, लेकिन 6 साल के बच्चे को आप नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट है यूज द, बेटा आप बैठ जाओ, थैंक यू, हाँ जा सकते हो। थर्ड है यूज सिचुएशंस दैट फिट इनटू द चाइल्ड्स एग्जिस्टिंग स्कीमा, ये करना चाहिए। एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या है, ऑलरेडी बच्चे के मन में जो पीके है, प्रीवियस नॉलेज है, वेरी सिंपली कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है, नई नॉलेज, न्यू के उसके साथ स्कीमा ये हो गया, इसके साथ उसको जोड़ा जाए, क्या यही कह रहे हैं। हाँ, फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो न्यू नॉलेज है, फॉर एग्जांपल बच्चे को साइकिल का एक्सपीरियंस है, छोटी साइकिल चलाई है, ठीक है, मैं उसको स्कूटर के कार के बारे में बताना चाहता हूं। जो अगर बच्चे ने साइकिल कभी देखी ही नहीं है तो मैं उसको क्या बताऊंगा, मतलब उसकी जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, गांव के बच्चे हैं, गांव की लाइफ देखी है, अगर गांव की जो लाइफ के उनके एक्सपीरियंस है, उसके नॉलेज, जो स्कैमे उनके बने हुए हैं, उनके डिफरेंट बने होंगे, वो अगर यूज करके उससे लिंक न्यू नॉलेज करते हो तो इजीली अटैच हो जाएगी यार, फिट हो जाएगी। आप वो फिल्म देखिए जो आरटी एक्ट पर बनी थी, हिचकी, तो उसमें वो टीचर क्या करता है, वो स्लम एरिया से आते हैं, वो स्लम एरिया से जो एक्सपीरियंस जो लेके आता है उसको वैसे ही ऑप्शन देता है, नॉलेज को उसी ढंग से अप्लाई करता है जो उसके घर के और उसके प्रोफेशन के बच्चे काम करते हैं, अर्न करते हैं, उससे जोड़ते हैं। तो स्कैमा से, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ कि बेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर ये कोई ऑप्शन आती है कि प्रीवियस नॉलेज से लिंक करनी चाहिए, यस एब्सोल्युटली लिंक करनी चाहिए, तो इसका भी यही मतलब है, यूज सिचुएशंस दैट फिट इनटू चाइल्ड्स एग्जिस्टिंग स्कैमा। तो ये मेरे मुताबिक तो देखिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन अच्छा इस ऑप्शन में 6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। अब 6 साल के बच्चों के लिए सिचुएशन डिफरेंट दी जाए कोई और, ए सिचुएशन हो गई, 7 साल के बच्चों के लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है बी सिचुएशन, क्यों, क्योंकि ये इलॉजिकल थिंकिंग में है, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ये ट्रांजिशनल स्टेज में है, ये प्री में है, ये बात कर चुके हैं, ये ट्रांजिशनल में है और ये कंक्रीट ऑपरेशनल में है। ओके, तो सिचुएशन इनको जो है वो इनसे डिफरेंट दी जाए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल था ना, इंडिविजुअल डिफरेंस का या इंडिविजुअल वेरिएशन का, कोई भी शब्द ऐसे आ सकता है। तो ये फिट तो कौन सा बैठ रहा है, बेस्ट। तो लेकिन सीबीएसई वालों ने ये आंसर दिया हुआ है, मैं गलत हूं तो मैं अपनी गलती जरूर मानूंगा, पर मेरी इतनी की अभी तक नॉलेज है,
मैंने वो आपके सामने रख दी है, अपने अपनी नॉलेज अप्लाई करके चैलेंज करो, इसको भी चैलेंज करो, अगर मेरी गलती हुई पक्का मानूंगा, आपसे सॉरी भी फील करूंगा। तो पर मुझे तो समझ आना चाहिए ना, अगर जब तक मुझे समझ नहीं आता मैं तो नहीं मानता, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर नहीं मानता जब तक उसको एविडेंस नहीं मिलते। थ्योरी में से एविडेंस यही मिलते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी ये ऑप्शन फुलफिल कर रही है, और सभी एज के बच्चों के मुताबिक भी यूनिवर्सल ट्रुथ भी यही है कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़ देना चाहिए। तो लास्ट वाली जो है, क्या ये करना चाहिए, नॉट यूज विजुअल एड और मॉडल, हमेशा आप यूज कर सकते हैं, इवन आप यूनिवर्सिटी में भी विजुअल एड और मॉडल्स यूज कर सकते हो, ये बात याद रखनी है। जो कंक्रीट चीज है माइंड उसको जल्दी ग्रास्प करता है। मैं बार बार इस बोर्ड मैंने इतना खर्चा भी क्यों किया, क्योंकि मैं इमेज दिखा सकूं, मैं मूवी दिखा सकूं, क्योंकि मूवी इमेज और ये जो बार बार डायग्राम बनाता हूं, इतनी छोटी छोटी बात को यहां लिखता हूं, क्यों, क्योंकि विजुअल नॉलेज सबसे ज्यादा हमारे अंदर जाती है, यूनिवर्सल। ये तो रिसर्च बेस्ड फैक्ट है ना, आप जानते होंगे कि 83% जो इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन में कहां से जाती है, नंबर एक आंखों से और कानों से, दो ज्ञान इंद्रियों से जाती है, आंखों से, और सबसे पहला नंबर है आंखों का। जब मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले आंखें बंद करवाते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी यहां से बाहर जाती है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां से अंदर जाती है। ठीक, मन सबसे ज्यादा प्रभावित कहां किससे होता है, आंखों की इंद्री से प्रभावित होता है, इसके कारण हम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ओके, तो विजुअल के, क्योंकि इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, यहां एक्सटर्नल की बात, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन में इंटरनल वर्ल्ड की बात है, अभी भूल जाइए। तो वो तो मतलब जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल है कि विजुअल और मॉडल जो है यूज करने चाहिए, इसने कहा नहीं यूज करने चाहिए, पक्का गलत हो गया। ओके, तो अल्टरनेट सॉल्यूशन का मुझे बच्चे को डिस्करेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी पक्का गलत हो गया। अब ये आपने खुद देख लिया है कि लॉजिकल थिंकिंग कैसे देंगे अगर बच्चा ही इलॉजिकल स्टेज में है, मेरे ख्याल में, मेरे तो इसको गलत हो रहा है। आपको ठीक लगता है CBSE को फॉलो कर सकते हैं, या हो सकता है उन लोगों ने कोई किसी को एवेल्युएट ही करना हो, क्या ये कोई टीच कर रहा है तो ऐसे सही टीच कर रहा है, हाँ गलती सबसे हो सकती है, ये बात है। तो आप रिस्पॉन्स ओरिएंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हो, हमें राइट आंसर ढूंढने की पड़ी रहती है। ये वीडियो एक मिनट में भी खत्म हो सकता था, लेकिन पता नहीं कितना लंबा हो गया, क्यों, क्योंकि मैं थिंकिंग रीजनिंग पर काम कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सोचना आपने है, फिर आपने, क्योंकि आप एक नहीं, एक वीडियो से आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अगर रीजनिंग डेवलप करोगे, अगर सिर्फ राइट आंसर फाइंड करोगे, यहां खड़े हो वहां से सिर्फ एक कदम आगे जाओगे अगर अपनी रीजनिंग को डेवलप करोगे एक वीडियो से। मैं नहीं कहता मेरी देखो, बाकी जनों की भी देखो, जिसकी अच्छी लगती है देखो, मतलब पर रीजनिंग डेवलप करो, जिंदगी के लिए भी रीजनिंग डेवलप करो। तो कमेंट बॉक्स में कोई भी फीडबैक है जरूर लिखिए। आपने कोई और वीडियो देखना है तो इसका नाम मैंने रखा है CTET एग्जाम्पलर 2021, तो उस प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हो अगर तैयारी करना चाहते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे एक्सपेरिमेंट करके आपके सामने पेश करूँ, पिछले 15 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो मदर टंग में है इसलिए वो सारे पेश नहीं कर सकता, अभी नए कर करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कोई भी है फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, जो फीडबैक मुझे मिल रही है उनका थैंक्स थैंक्स थैंक्स।